पाकिस्तानी फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का T20 स्क्वाड तीसरी बार चेंज हो चुका है। वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड तीसरी बार चेंज हो चुका है। सुहेब मकसूद इंजर्ड होकर T20 स्क्वाड में से बाहर हो चुके हैं, वर्ल्ड कप 2021 से बाहर हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने उनको अनफिट करार दे दिया है। डॉक्टर ने सुहेब मकसूद की छुट्टी कर दी है क्योंकि वो क्रिकेट खेलने के लिए मुकम्मल फिट नहीं डॉक्टर्स के मुताबिक। तो लहजा सुहेब मकसूद बाहर हो चुके हैं। इनकी नई रिप्लेसमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जो जो भी शोएब अली का फैन है, पाकिस्तान का फैन है, वीडियो को दिन से लाइक करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं। सुहेब मकसूद की T20 वर्ल्ड कप 2021 से छुट्टी हो चुकी है। अब सुहेब मकसूद की जगह कौन शामिल होने जा रहा है, इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि शर्जील खान शामिल हो जाएंगे क्योंकि शर्जील खान एक धमाकेदार सेंचुरी की है, तो शर्जील खान की जगह तो बनती है। लेकिन शर्जील खान के राह में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बन गए हैं वो रमीज राजा हैं। रमीज राजा शर्जील खान की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं और शर्जील खान को नहीं आने दे रहे। तो लहजा शर्जील खान नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। शोएब अली का कुछ ना कुछ चांस है। रमीज राजा शोएब अली के भी खिलाफ हैं लेकिन एक्सपर्ट्स जो है ना, शोएब अख्तर जैसे उनके साथ हैं, इंजमाम जैसे एक्सपर्ट्स उनके शोएब अली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शोएब अली का चांस बना है। तो शोएब अली के साथ खुर्शीद शाह जो कि रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं उनका चांस बना है। और इसके अलावा शाहनवाज दानी के ऊपर भी गौर किया जा सकता है, वो भी रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है। इन तीन में से एक खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप भी शोएब मलिक नहीं आते ना, तो फिर जो सिलेक्ट करने वाले हैं ना, मतलब कि जो शोएब मलिक के राह में रुकावट है उनके ऊपर, क्योंकि बहुत बुरी च्वाइस होगी अगर शोएब मलिक अब भी शामिल ना हो गए।